हेलो एवरीवन, दिस इज घनश्याम कुमार। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डेथ टू ब्यूटी का जो सेकंड स्टेंजा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली घंटी को दबा दें, ताकि जो कोई भी या जब कभी भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग तक सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचे और आप उसे देख सकें। बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो स्टेंजा पढ़ा हुआ था शुरू के, उसमें कवि थॉमस केरू ने फिजिकल ब्यूटी या फिजिकल लव के बारे में वर्णन किया हुआ था और बताया था कि स्त्री के जो गाल होते हैं, होंठ होते हैं, नाक होते हैं, यह वास्तव में उसको और खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो इन सभी से या ऐसे वस्तु से प्रेम करता है, एक दिन समय का चक्र या फिर समय जब गुजरता है तो उसके साथ यह सब वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। अर्थात उसका जो प्यार होता है, उसका जो उसकी जो खूबसूरती होती है, वह हमेशा के लिए चिरस्थायी नहीं होती है। यह था पहले स्टेंजा में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड स्टेंजा एज यू कैन वॉच हियर स्क्रीन पे, जैसा आप देख सकते हैं दिया हुआ है। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड कॉम डिजायर्स, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. जी विद्यार्थियों, ये आपके आज के क्लास का ये सेकंड स्टेंजा है द टू ब्यूटी का। थॉमस केरू ने इसमें इस स्टेंजा में उन्होंने स्पिरिचुअल ब्यूटी या हम यूं कह लें स्पिरिचुअल लव के बारे में अच्छी तरह से वर्णन किया हुआ है। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, कभी यहां वर्णन करते हुए कह रहे हैं लेकिन हमेशा एक सा रहने वाला, यानी हमेशा एक सा रहने वाला। विद्यार्थियों, जैसे कि यहां लिखा हुआ स्मूथ, इसको बोले कॉन्स्टेंट, उसके बाद दिया हुआ है स्टीट फास्ट। स्टीड फास्ट को हम बताते लिखते हैं तो इसका होता है फर्म। क्या होता है? फर्म। हिंदी अगर बात करें दृढ़, दृढ़ इसका होता है एक सा बने रहना। अगर दूसरे लाइन की बात करें, जेंटल थॉट्स एंड कॉम डिजायर्स, तो बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक सा बने रहने वाला या एक सा रहने वाला, तथा दृढ़ मस्तिष्क, यानी दृढ़ मस्तिष्क मतलब ऐसा मस्तिष्क जो स्थिर हो, ना कि प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील हो, बदलता रहता। जेंटल थॉट्स अर्थात साधारण विचार, सुंदर विचार, एंड और कॉम डिजायर्स और शांत इच्छाएं। बच्चों समझ में आ रहा ना? क्या शांत इच्छाएं? कॉम, काम को करें तो पीसफुल और डिजायर
अगर हम डिजायर की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पैशन, इसका मतलब हम लिख सकते हैं शांत, इसका मतलब लिख सकते हैं मनोवेग या इच्छा। ठीक, जेंटल थॉट्स एंड कॉम डिजायर्स, अर्थात सुंदर या फिर साधारण विचार तथा शांत इच्छाएं, हॉट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, तथा समान प्रेम से, तथा समान प्रेम से जुड़े हुए दिल हृदय यानी मन, किंडल नेवर फायर्स डाइंग, किंडल नेवर फायर्स डाइंग, किंडल का मतलब होता है यहां विद्यार्थियों प्रोड्यूस, इसे को हम एक्साइट सॉरी किंडल प्रोड्यूस उत्पन्न, क्या होता है उत्पन्न, क्या मतलब होता है इसका उत्पन्न, किंडल नेवर डाइंग फास्ट। तो अगले लाइन से देखते हैं, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, अर्थात समान प्रेम से जुड़े हुए ए हृदय मन या दिल कह लेते हैं, प्रेम की अग्नि को वह प्रज्वलित करते रहते हैं, अर्थात वह कभी भी बुझ नहीं सकते। वेयर दिस आर नॉट, अर्थात जहां कहीं भी ये वस्तुएं नहीं है, मैं आई अर्थात कभी कह रहा मैं डिस्पाइस, वर्ड दिया हुआ है डिस्पाइस, इसका मतलब होता है हेट घृणा, क्या होता है घृणा, अर्थात जहां पर ये वस्तुएं नहीं है मैं कभी कह रहा मैं वहां सुंदर लवली चेक्स यानी सुंदर और लिप्स और आईज, वहां मैं सुंदर गालों को होठों को अथवा इन आंखों को या इन आंखों से नफरत करता हूं। जी हाँ, तो आप लोगों ने पढ़ा या जाना शुरू के जो छह लाइन है वह किस पे बेस्ड है, बहुत सुंदर, यस वे है फिजिकल ब्यूटी पे, फिजिकल ब्यूटी संसार में हमेशा के लिए नहीं बना रह सकता, जैसे जैसे समय गुजरता है समय के साथ उसकी खूबसूरती उसकी विविधता नष्ट हो जाती है, लेकिन एक समान चित्र रहने वाला माइंड या हम कहें स्पिरिचुअल ब्यूटी, स्पिरिचुअल लव, मेटाफिजिकल ब्यूटी, ये हमेशा आने वाले युगों युगों तक, कहने का मतलब यह है कि जो चारित्रिक सौंदर्य है, क्या प्यारे बच्चों, चारित्रिक सौंदर्य ये हमेशा के लिए बना रहता है, तो कभी यहां चारित्रिक सौंदर्य की विशेषता के बारे में वर्णन करता है तथा इसे वह पसंद करता और बताता है कि चारित्रिक सौंदर्य से मैं बहुत ही ज्यादा लगाव करता हूं। अगर हम इसकी रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस के बारे में आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि जो स्टेंजा आपके सामने दिया हुआ है इसको पहले पहचानना होगा, मान लीजिए अगर यही दे दिया है बट ए स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, तो आप समझ जाइएगा कि दैट टू ब्यूटी का है जिसके पोएट या कंपोजर कौन है, जी कौन है, बहुत सुंदर थॉमस केरू, जिनका जन्म 1595 में, मृत्यु 22 मार्च 1639 में। चलिए अगर हम इसकी बात करते हैं, हम अगर कंटेस्ट लिखते हैं तो कंटेस्ट में ये भी लिख सकते हैं, इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट ब्यूटी ऑफ माइंड एंड हार्ट इज हायर देन फिजिकल ब्यूटी एंड इज एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स कभी न समाप्त होने वाला,
कभी ना समाप्त होने वाला। जी हाँ, एवरलास्टिंग ब्यूटी विदाउट दीज क्वालिटीज इज वर्थलेस। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन अब जो स्टैंजा दिया हुआ है इसको पढ़ते जाइए, इसका अंग्रेजी में अपने शब्दों में अनुवाद करते जाइए, अपने भाषाओं में इसका अनुवाद करते जाइए, वही एक्सप्लेनेशन होगा। अगर मैं कहूँ या मैं अगर एक्सप्लेनेशन करूँ तो द पोएट सेज इन द स्टैंजा दैट ब्यूटी ऑफ माइंड एंड हार्ट इज ग्रेटर एंड लास्टिंग देन फिजिकल ब्यूटी। The poet has already told us about a woman who has better charms. Now he tells us about, now a noble woman's mind is healthy and stable. She never thinks of fires, things, her desires are free from all harms. They are simple and pure. She loves equally to all human beings. The love that a man feels to her will be true and permanent. A woman who does not this virtue is hateful, even if she is so beautiful. जी हाँ विद्यार्थी, ये आपका सेकेंड स्टैंजा है। आशा करता हूँ आप लोग इसको देखेंगे और साथ में बोलने की भी कोशिश करेंगे। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक कि आपके मस्तिष्क में प्रत्येक इस स्टैंजा का वर्ड का स्पेलिंग या यू कहें सिनोनिम्स ना आप जान जाए तब तक कोशिश करिए। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप इसके नोट्स को बनाते रहिए और खुद अपने माइंड से इसके एक्सप्लेनेशन को करने की कोशिश करिए और जहाँ पे आप फंसे वीडियो को फिर से देखिए। तो विद्यार्थियों, दिस इज द सेकंड स्टैंजा ऑफ दैट हो ब्यूटी कंपोज बाय थॉमस केरो। आप लोग इसी तरह से अगर जुड़े रहते हैं और आप लोगों का रिस्पांस मुझे मिलता रहा तो मैंने कहा ना कि हम इस पूरे अंग्रेजी के दायरा को कवर करने वाले। क्लास 12 का जितना भी सिलेबस है, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो चाहे लिटरेचर से, वो हम पूरा का पूरा कवर करने वाले। अभी मैं आपको लेसन टू लेसन पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, फिर हम ग्रामर के भाग की तरफ चलेंगे, जो हमारा सेक्शन बी है उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, फिर ग्रामर को क्रमबद्ध तरीके से एक वैज्ञानिक साइंटिफिक फैक्ट की तरह पढ़ते हुए चलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, आज तक, मिलते हैं कल तक के लिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।